हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक नए ब्लॉग से। और आज हम अपने खेत के जो किनारे हैं, जहां पे हमारे खेतों में पशु प्रवेश करते हैं, वहां पे हम आज अपनी कुछ लकड़ियों से घेरबाड़ कर रहे हैं, ताकि पशु वहां अंदर खेत में न जा सके। तो वो सारी जो प्रोसेस है उन खम्भों को लगाने की और घेरबाड़ करने की, वो सारी प्रोसेस मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो साथियों, ये हम चल रहे हैं आज अपने खेत में बाड़ करने। और इस तरह से हम आज अपने खेत में बाड़ करेंगे। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये खम्भे हैं लकड़ी के, इनको वहाँ पर सब्बल से गड्ढा करके, फिर उनको गड्ढे में डालकर, फिर इन लकड़ियों को मजबूत से वहाँ पर तार से बांध दिया जाएगा। तो आप देखते रहे, ये हम ये लकड़ी का खम्भा लेके खेत की तरफ जा रहे हैं। और इस काम में रोज़ की तरह सहयोग कर रही हमारी मिसेज अनिता। नमस्ते। तो अब चलते हैं, हम ये चल रहे हैं ये लकड़ी को लेके। और यहाँ पर हमने ये गड्ढा अब करेंगे इन जगहों पे, और फिर यहाँ पर लकड़ी को अच्छी तरह से गाड़ के फिर इनको आपस में तार से बांध देंगे। आप देखते रहिए। तो साथियों, इस तरह से हम यहाँ पर गड्ढा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और गड्ढा करके अब हम इस पे लकड़ी डालेंगे। तो आप देखिए किस तरह से मैं यहाँ पर लकड़ी डाल रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से मैंने एक लंबी लकड़ी उठाई और फिर ये देख सकते हैं आप, ये गड्ढे में इस तरह से इसको फंसा दिया है। और उसके बाद फट्टे से इसको इस तरह से अच्छी तरह से ठूस देते हैं नीचे। ये देख सकते हैं। और फिर इस पे पत्थर, इस पे अच्छी तरह से फिर इस गड्ढे में पत्थरों से इसको जाम कर दिया जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, ये लाइन पे हमने ये खम्भे यहाँ पर अच्छी तरह से ज़मीन में गाड़ दिए हैं। और अब हम इधर दूसरा गड्ढा करेंगे, आप देखते रहिए। साथियों, आप देख सकते हैं ये पत्थर, ये खम्भा अभी लूज है, और क्योंकि अभी गड्ढे में देख सकते हैं आप गैप है। और अब इस पे इस तरह से हम पत्थर इसके अंदर हल्के हल्के टाइट कर लेते हैं। इस तरह से, और फिर दूसरी तरफ से पत्थर को टाइट करना होता है, ताकि ये पत्थरों के बीच में अच्छी तरह से जाम हो सके। आप देखते रहिए वीडियो लास्ट तक, ये देख सकते हैं आप। और ये अब टाइट हो गया है, आप देख सकते हैं। साथियों, ये कुछ खम्भे हम गाड़ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं सामने। ये इस तरह से यहाँ पे हमने ये गाड़ दिए हैं, अब इन पे हम तार बांधेंगे। ये तार भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कूड़ा करकट था, यहाँ पे गंदगी हो रखी थी, तो वो हम अब यहाँ पे जला देते हैं। तो आप देखते। साथियों, ये यहाँ पर कूड़ा करकट है, ये हमारी मिसेज अनिता देवी जी यहाँ पे सारा इकट्ठा कर रही हैं, ताकि खेत साफ रहे और मेन रास्ता है वो भी साफ सुथरा रहे। और आज का पूरा दिन हमारा इस तरह से सफाई में ही व्यतीत हो गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जला दी हैं। और
खेत एकदम देख लीजिए आप, यहाँ पे ये राई रुई है, उग रही है राई, और इसको बैल गाय न खाएं तो इसलिए हम ये सामने ये बाड़ कर रहे हैं यहाँ पर। और खेत बिल्कुल हमने साफ़ सुथरा बना दिया है, अब एक दिन यहाँ पर पावर टिलर से जुताई करेंगे और फिर यहाँ पर कुछ फसल बोएंगे। इस साल तो तकरीबन 4 खेतों में मैंने यहाँ पर सरसों बोई थी और 3 किलो सरसों संपूर्ण खेतों में बोई थी और काफ़ी अच्छी भी हो रखी थी। हिमाचल से बीज मंगाया था और लेकिन वो सारी सरसों एक भी दाना हाथ ना आया, रात में गायें आई और उन्होंने इस तरह से सारे खेत को चपट कर दिया। ये आप देख सकते हैं पूरे खेत को चपट कर रखा है और बाढ़ भी, अब देखते हैं बाढ़ भी कहां तक कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं आप ये इतने इतने ये पूरा छोटा सा पहाड़ नुमा बना हुआ है यहां पे। ये देख सकते हैं गायें इतने बड़े ये टेरेस को टप के यहां से नीचे कूद जाती हैं। अब यहां पे बाढ़ भी नहीं हो पाएगी क्योंकि रात में गायें यहाँ से आती हैं और पता भी नहीं चलता कब खेत को सफा चट कर देती हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी हमने अब बाड़ कर चुके हैं आप देख सकते हैं, और जो बाड़ हमने अभी की वो इस तरह से हो गई है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, क्योंकि यहाँ से सामने से पशु एंट्री कर जाते हैं खेतों से, तो अभी देखते हैं ये कितना कारगर सिद्ध होगा। और ये देख सकते हैं ये खेत तकरीबन 1.5 नाली का है और 1.5 नाली यहाँ पे काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी एक भी दाना हाथ नहीं आया, सारे गायों ने चपट कर दिया है। अब एक बार और प्रयास करना है खेतीबाड़ी का, उसके बाद हम भी खेतीबाड़ी करना छोड़ देंगे क्योंकि पशु ने इतना परेशान कर चुके हैं हमें, कुछ कहा नहीं जाता है, सरकारें भी कुछ हमारी ध्यान नहीं देती हैं। और अब हम भी यहाँ से सोच रहे हैं कहीं चले कुछ और काम शुरू करें। सोचा था पोली हाउस लगाया था, इसके ऊपर भी बंदर नाच रहे हैं, उन्होंने जगह जगह छेद कर लिए हैं आप देख सकते हैं, और ऐसे में कैसे काम चलेगा। ये 3 बार की बाढ़ में यहाँ पे करने जा रहा हूँ, सारी पशुओं ने उखाड़ दी थी और पीछे भी यही हाल कर रखे हैं आप देख सकते हैं, ये पशुओं के पैर के ये गड्ढे कर रखे हैं। तो साथियों आज दिन भर यहाँ पे सफाई का काम किया और इस तरह से हमने गंदगी इस तरह से यहाँ पे सारी जला दी है, अब खेत साफ सुथरा हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या करना है, आप देखते रहिए बने रहिए। साथियों फाइनली मैंने इस खेत में घेरबाड़ कर दी है और तार भी मैं बांध चुका हूँ जो इस प्रकार है। तो साथियों आप देख सकते हैं ये तार मैं यहाँ पे बांध चुका हूँ और इस कोने से उस कोने तक आप देख लीजिए ये खम्भे आपस में तार से बंधे हुए हैं और ये मैंने पूरा उस कोने तक ये यहाँ पर खम्भे गाड़ दिए हैं और इनको प्रॉपर तारों से बांध लिया है। अब शायद अब देखते हैं पशु इनको यदि दोबारा इनको प्रवेश करते समय गिराए ना। और साथियों ये खेत की सफाई भी आज हो चुकी है और इस तरह से दिन भर आज ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद जो सामने हो चुकी है और अब शरीर थक चुका है, तो आगे आप शाम के टाइम हमारा जो प्रकृति का नज़ारा है वो इस प्रकार है। यहाँ पर ये देख सकते हैं शाम के टाइम है, सूर्यास्त होने वाला है और मेरे घर से इस तरह से प्रकृति का सुंदर नज़ारा
नज़र आ रहा है। और ये जो प्रकृति का सुंदर नज़ारा है, दिन भर काम करने के बावजूद शरीर की जो थकान होती है, शाम को यदि छत के ऊपर आधे घंटे बैठ जाओ और तो इन प्रकृति के नज़ारों को देखकर थकान दूर हो जाती है। ये देख सकते हैं आप सुंदर नज़ारे शहर की, हल्ला गुल्ला से दूर शुद्ध प्रकृति के छाँव में। तो साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड।